हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम करने वाले हैं लोअर एंटीलोप कैनियन का टूर, जो कि होगा 1 घंटे का टूर। और हमने टिकट ऑनलाइन परचेज कर ली थी पहले से ही, इसकी बुकिंग पहले से करनी पड़ती है आपको, तो हमने पहले से कर ली थी। तो चलिए फिर, आप भी हमारे साथ एंजॉय करिएगा और पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ट्रेन से मैं टिकट बुक किया था, तो लिंक का सेंटर है, यहाँ पे हमें चेकिंग करना है। 10 बजे से हमारा टूर स्टार्ट होगा। ये देखो इनको, शुरू हो गया गोदी। चलो सब लोग हाई करो, इधर देख के करो। बस यहाँ पे हम चेकिंग के लिए खड़े हुए हैं इनके ऑफिस के सामने। और कल रात को हम घूम के आए थे हॉस्टल बैंक से, शाम को तो हम रुके हुए थे पेज सिटी में, और काफ़ी अच्छी थी कल वाली जो ट्रिप थी हमारी। Are you all set for the tour? Yeah. Let's go. Hey, Tony. What are you doing? अब हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर, और ये हमारे गाइड वाले खड़े हैं, जीटू अंकल के साथ हम जाएंगे। सो फाइनली एक नए एक्सपीरियंस के लिए हमने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर दी है, और हमारा आज का जो टूर है वो 1 घंटे का होने वाला है, और हमको इस ट्रेल पे 5 से 10 मिनट लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए। सो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है मेरी सभी वीडियोस से, एंड आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स काफ़ी स्टीप है, तो हमको यहाँ से नीचे उतरना है, और हमारे टूर गाइड ने हमें बताया था कि ऐसे 5 से 6 सेट है नीचे उतरने के लिए। ये पोर्शन देखिए क्या मस्त लग रहा है, पर्पल कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से। लोअर एंटीलोप आपको पड़ता है पेज सिटी में, जो कि आता है एरिजोना में, और यहाँ पे आपको करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे फेमस तो है यहाँ पे ये एंटीलोप कैनियन का टूर, और दूसरा होता है हॉर्सशू बैंड, जो कि काफ़ी अच्छा है वो भी, और उसका भी मैंने रिसेंटली वीडियो पोस्ट किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो प्लीज़ उसको चेकआउट ज़रूर करें। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अलग ही कलर दिख रहा है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी टिकट आपको 2-3 महीने पहले ही ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है, वरना रन टाइम पे आपको इसकी टिकट नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा भीड़ ना मिले, तो आपको अपने टूर गाइड के साथ 5 से 6 लोग वाली जो पैकेज होगा वो बुक करना होगा। डे टाइम सबसे अच्छा माना जाता है यहाँ पे विज़िट करने के लिए, क्योंकि जो सनलाइट यहाँ पे पड़ता है उससे इसमें अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट होता है। अभी आप मेरे वीडियो में सब कलर देख ही पा रहे हैं। और कोविड के कारण मास्क एकदम कंपलसरी था, सो हमने फ़ोटो लेते वक्त भी मास्क नहीं उतारा, बट नो प्रॉब्लम, सेफ्टी फर्स्ट। हमारा टूर गाइड मस्त है, बढ़िया बढ़िया फोटो निकाल रहा है। So, if you guys are going back to Vegas, you can actually go to Caesar's Palace. यहाँ पे हमारे टूर गाइड किसी फोटोग्राफर के बारे में बता रहे हैं,
कि उसने एंटीलोप कैनियन के काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्चर्स निकाल के मिलियंस में उसको सेल किया है। अब अपने टूर के लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अभी हम इसके अंदर से यहाँ से निकले हैं। यही रास्ता था, देख के बिल्कुल नहीं लग रहा। और हमारे टूर गाइड बता रहे थे कि जब भी फ्लड आता है तो ये पूरा भर जाता है। देखिए इसका ऊपर का पोर्शन कैसा है, पूरा फ्लैट लग रहा है और अंदर कितना सुंदर था। तो यहाँ पर हमारा लोअर एंटीलोप कैनियन का टूर ख़त्म हो गया और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ब्यूटीफुल था। हमने शुरू वहाँ से की थी, वो जो ट्रेल है। आप फिर गर्मी लग रहा है ना, बाहर आते ही गर्मी लग रही है, अंदर एकदम ठंड थी, चिल चिल। तो हम आ गए वापस टूर करके, इतना ब्यूटीफुल था, बहुत मज़ा आया। इतनी चीज़ें फ़ोटो ली उसने, जब मैं टूर गाइड था और बहुत कुछ बता भी रहा था शिप्स के बारे में, तो काफ़ी मज़ा आया। तो ये था आज का ब्लॉग और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। तो मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए जगह पे, तब तक के लिए आप देखते रहिए रुजियाज़ ब्लॉग और आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।